कोरोना को हल्के में लेने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर और जेल में कैदी भी कोरोना के हो चुके हैं शिकार। झज्जर की अगर बात करें तो कोरोना के 1350 के पार हो चुके हैं और इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 700 के पार हो चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय दहिया जो झज्जर के CMO हैं वो सीधे जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आंकड़ों की बात करेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए सलाह की बात करेंगे कि कोरोना से कैसे बचाव की जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताएं कि तीसरी लहर के आंकड़े क्या है झज्जर जिले के? 1000 से ऊपर हो चुके हैं और 1500 के करीब मान को। देखिए, 20 दिसंबर से लेकर अब तक अगर आप घटा देखें तो 1315 केस हमारे पास झज्जर जिले में आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हो रही है। तो अगर आप देखें आज के दिन में तो हमारे पास एक्टिव केसेस 682 हैं सिर्फ, और बाकी सब रिकवर हो गया है। और उनमें से भी सबसे अच्छी बात यह है कि एडमिट सिर्फ 25 ही केस हैं उनमें से हॉस्पिटल्स में, और बाकी सारे के सारे होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है उनका। क्या यही वजह है कि जो होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, क्या यही वजह है कि लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे? लेकिन जबकि अगर फैलने की रेशो की बात करें पिछली लहर के मुकाबले, तो 1350 केस पार होने में सिर्फ दिसंबर 20 दिन, एक महीना भी नहीं हुआ। जी आप ठीक कह रहे हैं, ये मल्टीप्लाई बहुत तेज स्पीड से कर रहा है, और लोगों से यही अपील रहेगी कि इसको हल्के में ना लें। क्योंकि देखिए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जरूर सतर्कता बरतनी चाहिए इस मामले में। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं ली है, तो उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। कुछ आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन की एक भी डोज न लेने वालों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन जो आंकड़े देखे गए उसमें से 70% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, तो वो स्थिति कैसी क्यों हो? हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि देखो, जिसको वैक्सीन की दोनों डोज लग रखी है, ये ज़रूर है कि उनको इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन जो इन्फेक्शन हो रहा है वो बहुत हल्का हो रहा है उनको, और उनको रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, बहुत हल्के लक्षण आ रहे हैं उनको। और जिनो वैक्सीनेटेड नहीं है, तकरीबन वही हैं जो एडमिटेड हैं, और जो कुछ थोड़ी बहुत हमारे ज़िले में तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें इंडिया के लेवल पे डेथ हुई है जैसे दिल्ली में हो रही है, तो वो डाटा यही आ रहा है कि वो 80% प्लस वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड। तो अभी जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं दिल्ली की अगर बात करें, तो वहाँ कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट, जो सेकंड लहर थी, उसके केसेस भी देखने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो ओमिक्रॉन का कहर कह सकते हैं वही है। तो हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं या डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं? जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, जीनोम सिक्वेंसिंग सिर्फ उन्हीं की हुई थी जो बाहर से आए थे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, तो उनमें से एक हमारे यहाँ भी ओमिक्रॉन वेरियंट आया था। दूसरा, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आज हमारी BC हो रही थी, जहाँ क्लस्टर्स हैं या आपको लगता है कि वैक्सीनेटेड केसेस थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, उस तरीके का, या बहुत सीवियर फॉर्म है, तो उस तरीके के हम लोग सैम्पलिंग के लिए, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। अब आपको भी पता होगा कि रोहतक में जीनोम सिक्वेंसिंग की लैब शुरू हो गई है, और ये बहुत बड़ी सहूलियत है हमारे ज़िले को एकदम नज़दीक होने के कारण। तो उस तरीके के केसेस की जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आगे कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने भी कवर किया डेल्टा वेरिएंट के दौरान भी और कोरोना की पहली लहर के दौरान भी, प्रशासन भी उतना ही सजग और सतर्क रहता था जितना आप सतर्क थे, क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे वहाँ पर बैरिकेडिंग की जाती थी, लोगों को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता था। अब कंटेनमेंट जोन तो बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ किसी सामने आ रहे हैं कंटेनमेंट जोन भी बन रहे हैं, लेकिन उतनी सतर्कता नहीं बरती जा रही। क्या यही वजह है कि जिस प्रशासन की सतर्कता और लोगों की सतर्कता में कमी होना इस वेरिएंट को ज़्यादा खतरनाक बना रहा है? देखिए, वेरिएंट का हर फैक्टर अपने आप में पिछले वाले डेल्टा वेरिएंट से 2-3 गुना ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लाई जल्दी हो रहा है। हर फैक्टर होता है एप्लीकेशन रेट, मतलब बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। हाँ, ये बात है, पहले जो कंटेनमेंट जोन्स थे बड़े होते थे, अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हो चुके हैं। मान लीजिए आपके घर में आप पॉजिटिव आते हैं तो सिर्फ आपके घर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। ये चीज़ देखिए, सरकार अपनी तरफ से जितना हो सकती है उतना काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक समाज को, एक व्यक्ति को, हम लोगों को खुद भी करने चाहिए। इतनी जागरूकता हम सब में आ चुकी है कि हम लोगों को पता है कि अगर भाई मुझे ये लगता है कि मुझे इसके लक्षण हैं तो मुझे टेस्ट कराना चाहिए। अगर मेरी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मुझे 7 दिन के लिए अपने आप को अपने घर में आइसोलेट करना चाहिए। हम लोगों ने मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के थ्रू, सबके थ्रू ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी है। गवर्नमेंट ने भी बहुत स्प्रेड करी है, ये सबको पता है।
दूसरी बात ये भी सबको पता है कि देखिए मास्क लगा के रखना चाहिए हमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना चाहिए, हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनको घर के बाहर ना निकलने दें, खुद भी जब निकले जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो सरकार जो नियम बना रही है उनकी पालना करना तो हमारा दायित्व है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सरकार जो इंस्ट्रक्शन हमें दे रही है हमारे लिए दे रही है, हमारी सेहत के लिए दे रही है, हम उनकी पालना जरूर करें। डॉक्टर साहब, जो होम आइसोलेशन में थे उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि पहले दूसरी लहर में व्यवस्थाएं थी, क्या अभी भी उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो होम आइसोलेशन पे है वहाँ डॉक्टर भेजता है या मेडिकल स्टाफ भेजता है? जी, कंट्रोल रूम हम लोगों ने स्थापित कर लिया है अपना, सेम उसी पैटर्न पर शुरू हो गया है। आइसोलेशन किट्स कुछ हमारे पास थी जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेडिसिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कुछ और आइसोलेशन किट्स के लिए डीसी साहब से और HMSCL से हम लोगों ने अनुरोध करा है, वो भी अवेलेबल होने वाली है। तो व्यवस्था उसी तरीके की जैसे पिछली बार थी, लेकिन ये जरूर सुखद बात है कि वेरिएंट नुकसान उतना नहीं दे रहा, क्योंकि लंग्स तक नहीं जा रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही, गले तक ही रहता है, तो ये सुखद चीज है। तो बात की जाए, आपने कहा कि जो आइसोलेशन किट है क्या वो प्रॉपर नहीं है, जो आपको जिला स्वास्थ्य विभाग को कहना पड़ा, हॉस्पिटल्स की कितनी व्यवस्थाएं हैं, जिले में क्या स्थिति है बेड्स की, क्योंकि पहले देखा गया था बेड के लिए लोग भटकते रहे, पैसा लोगों के काम नहीं आया, हॉस्पिटल में जिनकी जानकारी थी बेड मिल गया, नहीं तो नहीं। नहीं देखिए, सब चीज़ों में आप ये लगाते चलिए, ऑक्सीजन प्लांट हमारे दो तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में ही खुल गया भादुरगढ़ चज्जा में, उसके अलावा 6 प्लांट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने शुरू कर लिए हैं और 3 अभी प्रोसेस में हैं जो अगले हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आप बात करें तो जैसे पूरे ज़िले में आप ये लगा लीजिए 1400-1500 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो उस समय सिर्फ 200-250 हुआ करते थे डी टाइप के। तो इस तरीके से हर चीज़ बॉक्स, वेंटिलेटर्स में आप देख लीजिए कि उस समय 2-3-4 होते थे, अब इस समय 70 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैक्स भी 70 से ज़्यादा पर हैं हमारे ज़िले में, जो ICU बेड्स हैं उनकी तादाद भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे जयपुर में HDU ICU कंस्ट्रक्ट हो चुका है, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल भादुरगढ़ में सॉरी, और झज्जर में हम लोगों ने 100 बेड से ज़्यादा ऑक्सीजन से कनेक्ट, पाइपलाइन से कनेक्ट कर चुके हैं हम लोग उसको। तो तैयारी पूर्ण रूप से कर रखी है हेल्थ डिपार्टमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक दवाइयों का है, जो दवाइयाँ यूज़ होनी है इसमें जो प्रोटोकॉल कहता है वो सारी दवाइयाँ हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। चलिए, ये तो बात थी एज ए अधिकारी, क्योंकि आपको आधिकारिक दायित्व भी निभाने हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर से, एक डॉक्टर की क्या सलाह है मरीजों के लिए, क्योंकि ये जो मौसम है, बदलता मौसम है, और पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सर्दी भी पड़ रही है, और उन्हीं 2-3 दिनों की अगर बात करें तो लगातार 2 दिन से 180 केसेस कोरोना के भी आ रहे हैं। सर्दी खांसी की आम बीमारी इन दिनों में वैसे भी होती थी, तो उसमें और कोरोना के संक्रमण के जो लक्षण हैं, कैसे जो आम आदमी है जो ग्रसित है उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें और उसी हिसाब से इलाज कराए या टेस्ट कराए? कोरोना भी एक वायरल फीवर है, तो जो नॉर्मल फ्लू या वायरल के सिम्टम्स होते थे वैसे ही सिमिलर सिम्टम्स हैं इसके, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, तो सेम खास, गले में खराश होना, बुखार चढ़ना, तो सिम्टम सेम है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स लगते हैं तो आप टेस्ट जरूर कराइए, ताकि ये आपको पता लग सके कि आपको कहीं कोरोना से आप ग्रस्त ना हो। पेट में दर्द के कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं? जी, कुछ लोगों को पेट में दर्द भी है, हल्का डायरिया भी है, अब की बात जो काफ मसल पिंडी जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द बता रहे हैं जो कुछ पेशेंट से हमारी बातें हुई हैं, इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं। जो टेस्टिंग कैंप लगाते थे आप लोग, अब वो टेस्टिंग कैंप लगा रहे थे? जी, टेस्टिंग अभी भी कर रहे हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल के अलावा बाहर कहीं टेस्टिंग, हॉस्पिटल के अलावा भी कर रहे हैं, और हम लोग जो हमारे एम्बुलेंस और बाकी जो मोबाइल टीम्स हैं उनको भी हमने बाहर निकाला हुआ है टेस्टिंग के लिए, स्पेशली फैक्ट्री वो एरिया जो क्राउडेड है, स्लम एरिया। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है सर्दी खांसी होती है तो जो प्रचलित दवाएँ हैं उन्हीं का लोग सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों ने ई संजीवनी वगैरह भी शुरू कर रखा है, तो कैसे उन लोगों तक आप ये बात पहुंचाएंगे कि वो दवाइयां सेहत के लिए ठीक हैं, या आज की स्थिति में डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ई संजीवनी OPD का लाभ उठाने के लिए बहुत उचित माध्यम समझूंगा, आपके थोड़े लोगों को जागरूक करा जाए। ई संजीवनी ऐप दोनों पे, एंड्रॉयड आईफोन दोनों पे डाउनलोड हो जाता है, और ई संजीवनी ऐप को डाउनलोड करके आप कभी भी 24/7 आप कंसल्टेशन दे सकते हैं,
और ये बहुत अच्छी सलाह है, देखिए अपने आप घर पे बैठ के मेडिसिन ना लें, कई बार आदमी को पता नहीं लगता कौन सी दवाई गलत दवाई दी जाती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ई संजीवनी की जो आप जब भी कंसल्ट करेंगे तो उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन भी आपके आएगी जो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होगी, उसको प्रिस्क्रिप्शन को लेके आप सिविल हॉस्पिटल में जाके वहाँ से दवाई भी ले सकते हैं। तो जान का कितना खतरा है इस कोरोना से? देखिए हल्के में ना लिया जाए, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं है इसमें, लेकिन जो हैं वो उन लोगों को हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं या 60 से ज़्यादा हैं, कोमॉर्बिड हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको जरूर एहतियात बरतनी है। बिल्कुल, कोरोना को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और हल्के में आप लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। सिम्टम्स भले ही हल्के हैं, जो आमतौर पर इन दिनों में सर्दियों के मौसम में जुकाम, खांसी, गले में दर्द आम समस्याएं थी, लेकिन इस बार वो आम नहीं है, वो ओमिक्रॉन का रूप लेकर आपको ग्रसित कर रही है। इसलिए जरूरी ये भी हो जाता है कि टीवी अखबारों में विज्ञापन देखकर आप दवाइयों का सेवन अपने स्तर पर न करें। सरकार ने सुविधा दी है ई संजीवनी ऐप की, या फिर आप डॉक्टर को फ़ोन करें या डॉक्टर के पास जाएं। अगर कंडीशंस आपकी बिगड़ती है या हालात या सिम्टम्स आपके ज़्यादातर बदलने लग जाते हैं, जरूरी ये है कि डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों का सेवन करें, गर्म पानी भी पिएं, लगातार भाप भी लेते रहें, ताकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिससे आप लोग ग्रसित होने जा रहे हैं और आपके सहारे अनजाने में ही सही आपके अपने और समाज के दूसरे लोग ग्रसित हों, उससे बचा जा सकता है। कोरोना से एहतियात ही बचाव का एकमात्र साधन है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीनेशन भी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बाद लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन 2-3 दिन में वो ठीक भी हो रहे हैं। रवि कुमार धनखड़, पंजाब केसरी।